हमारे पास साथ में जुड़े हैं और जी हमारे जी सभी जी प्रतिभागियों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो जी इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना विषय सर, जैसा लोग कह रहे हैं कि विषय समय बहुत कम है, तो विषय सर हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बदलते भारतीय परिदृश्य में साहित्य और संस्कृति, ठीक ये है। विषय है आज के इस सत्र का। तो सर हमें इस विषय पर थोड़ा अपना वक्तव्य कितना रखें। कितना समय है मधुजी, ये बताएं। सर 50 मिनट, पचास 50 मिनट, एक अच्छा। घंटे तक हम लोग लेंगे सर नहीं कुछ सर, प्रश्न करें। आप सर आप बोले 50 मिनट ही, हाँ 45 से 50 मिनट, क्योंकि 10-15 मिनट सवाल में भी लग जाएगा सर। जी 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 अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो प्रियवर डॉक्टर आलोक जी और मधु जी, प्रिंसिपल साहब और इस FDP कार्यक्रम में सम्मिलित सभी प्रतिभागी मित्रों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आप सबके प्रति के ऐसे माहौल में FDP का कार्यक्रम बनाना और उसको सफलतापूर्वक संयोजित करना, ये वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। और इसके लिए आपको, आपके कॉलेज को, सभी टीचर्स को मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि सब लोग घर बैठे बैठे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं और वही चेहरे रोज रोज दिखाई देते हैं घर में, तो सब लोगों को लगता है कुछ नए नए लोगों से मिले, नए नए लोगों की बातें सुने, तो ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और अकादमिक काम हम अपने घर बैठकर कर रहे हैं और दूर दराज से, देश से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, अच्छी पहल है और इससे अन्य लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, तो बहुत बधाई। और जो विषय मुझे दिया है आपने, वो बहुत रेलेवेंट भी है इन दिनों में, क्योंकि मैं उसको थोड़ा थोड़ा मध्यकाल के संदर्भ में कोशिश करूंगा बातचीत कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन स्थितियों में जो मानसिकता बन गई है और जो चुनौतियां सबके सामने खड़ी हुई हैं और जो एक अवांछित भय सबके मनोमस्तिष्क में घर कर गया है, उसका निदान काफी हद तक मध्यकालीन साहित्य में उपलब्ध है। हमारा जो भारतीय साहित्य है, ये तो पूरा साहित्य ही हमारा इस दिशा में हमें प्रेरित करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो कोरोना का संकट है, ये जो बदलता भारतीय परिदृश्य है, उसमें ये वाली एक स्थिति भी है जो हमें अब सोचने के लिए और नए नए दृष्टि से नए नए आयामों, दरवाजों को खोलने की प्रेरणा देती है, क्योंकि हमने सभी ने मिलकर प्रकृति का दुरुपयोग भरपूर किया है। और बल्कि दो, एक शब्द के दो शेड हैं जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एक्सप्लॉइट। सो वो हम कहते हैं कि वी हैव सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर कंट्री, वी मस्ट एक्सप्लॉइट दी सेम। तो इसका सही अर्थ तो यह है कि हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन ईश्वर प्रदत्त हैं, हमें उनका दोहन करना चाहिए। एक्सप्लॉइट का एक अर्थ दोहन भी है, लेकिन हमने उसका दूसरा शेड पकड़ लिया कि हमें उसका शोषण करना चाहिए। तो हमने प्रकृति का शोषण किया और करते समय ये सोचा नहीं कि इसके खामियाजे क्या होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति को अपना स्पेस चाहिए, अपनी जगह चाहिए, और विधाता ने जब ये सृष्टि बनाई होगी तो निश्चित रूप से उसके सामने यह रहा होगा कि जो सृष्टि है वो उसमें ये नदियां, ये पर्वत, ये झरने, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, इनकी बड़ी रचनात्मक भूमिका है। ये सब न रहे तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन हमने तमाम तरह के अद्यतन अधुनातन उपकरणों और सुख सुविधाओं के कारण इन सबका जीवन भी खतरे में डाल दिया था। अब ये हम सब लोग तो घरों में कैद हैं और ये मुक्त गगन में विचरण कर रहे हैं, तो ये स्थितियां हमें सोचने के लिए बाध्य कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये संकट केवल भारत का नहीं है, ये भारतवासियों का संकट नहीं है, ये पूरी दुनिया का संकट है, क्योंकि ये प्रचलन सारे संसार में दिखाई देता है। ये जो मानसिकता है जिस जिससे हम सब अब, जिस रोग से, जिस महामारी से हम सब संक्रमित हो गए हैं, वो वैश्विक महामारी है। और ऐसे में ये जो तहस नहस हो रही है, ये जो जीवन मरण के बीच में संघर्ष हो रहा है, ये परिस्थितियां वास्तव में चिंतनीय है आज के समाज के लिए, हम सब के लिए।
और ये जो परिदृश्य है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीख गए हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी की बात हम बार बार करते रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात, और जो अद्यतन अधुनातन उपकरण है उन सबसे हम सब वाकिफ हैं, उनका लाभ भी उठा रहे हैं। हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो हमने मोबाइल से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, लेकिन इस महामारी से लग रहा है कि दुनिया मुट्ठी से फिसलती जा रही है। हम सब जैसे पंगू से हो गए हैं, मनोमस्तिष्क से हम जैसे थक से गए हैं, और शरीर आराम कर करके भी थक गया है। तो ऐसे में बहुत सारे संदर्भ हमें हमारे साहित्य में मिलते हैं जो हमारे हमारी वैल्यूज को, हमारे हमारी मूल्य परंपरा को हमारे समक्ष उजागर करते हैं। उसमें हमारी संस्कृति बड़ी सशक्त रूप से सहायता करती है। जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय मूल्य हैं, वो ये बताते हैं कि हम अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण के पक्षधर कभी नहीं रहे। हमने जिस वैश्वीकरण को, जिस आधुनिकता को हम दोहराते हैं, वस्तुतः हमारा मूल मंत्र तो वसुधैव कुटुंबकम का रहा है। पूरी वसुधा को हम एक कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं, इसलिए अर्थ केंद्र में कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ भाव, संबंध, मानवीयता, मानव मूल्य, इनको महत्ता दी गई है संस्कृत काल से, संस्कृत साहित्य से लेकर, और तमाम हिंदी के साथ साथ भारतीय समस्त भाषाओं में हम देखें, हमारे रचनाकार, हमारे साहित्यकार, हमारे चिंतक, हमारे विचारक, हमारे ऋषि मुनि, संत, अध्येता, दार्शनिक, हम किसी की भी बात करें, हमारे शिक्षक समाज, उन्होंने कभी भी हमें अर्थ केंद्रित विश्व की ओर प्रेरित नहीं किया। ये तो ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए, आजकल आत्मनिर्भरता की बात फिर से होने लगी है, लेकिन आत्मनिर्भर होने के लिए हम किसी दूसरे का गला काट कर, किसी दूसरे की भूमि में, किसी दूसरे की टेरिटरी में हम एनक्रोचमेंट करके अपनी जगह बनाएं, ये हमारी साहित्यिक संस्कृति ने कभी भी हमें नहीं सिखाया। हमें तो मानव केंद्रित वैश्वीकरण, इसके मूल मंत्र साहित्य में दिए गए हैं। तो ये जो वर्तमान संदर्भ है, ये प्राकृतिक आपदाओं को हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन मनुष्य है कि सीखता ही नहीं है। हमें लगता है कि तात्कालिक जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, हमारे जो स्वार्थ हैं, हम जो हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हम उनको प्रधान बना देते हैं, और जो लोकहित और जनहित के जो भाव हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं, गौण हो जाते हैं। इसलिए सोचना ये पड़ेगा कि इस समय में, इस सिनेरियो में, इस परिदृश्य में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत कुछ तो हम सीख रहे हैं, और धीरे धीरे हमें जो आदत थी हमारी काम करने की वो छूट गई थी। अब हमें आत्मनिर्भरता इस दृष्टि से भी, घर के काम में भी हम आत्मनिर्भर होने लगे, एक दूसरे का हाथ भी बटाने लगे हमारे घरों। हम जो ये जो मेड बेस्ड कल्चर थी हमारी, हम नौकर चाकरों पर निर्भर होने लगे थे, हमें हर काम के लिए एक सहायक चाहिए था। मैं मानता हूं कि वह भी जरूरी था, वह भी जरूरी है, लेकिन ये तब जरूरी है जब हम खुद अपने पांव पर खड़े होकर, सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर, आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ अपने काम करने में सक्षम हो। लेकिन हमने क्या किया कि अपने ही तरफ से तो सब छोड़ दिया, और पूर्णतः हम आश्रित हो गए। तो ये जो पूर्ण आश्रय पर आश्रय है, ये घातक हो गया, और इसी बात को हमारे यहाँ जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उनको बार बार सचेत किया गया, जगाया गया। हम पैसे के पीछे भागने लगे, तो लक्ष्मी चंचला है, और लक्ष्मी चंचला है इसलिए उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, वो स्थिर नहीं रहती है। और लक्ष्मी का जो विचरण होता है वो रात्रि में होता है, लक्ष्मी रात को घूमती है, जो जितनी ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी रात को विचरण करती है। तो पुरुष उपरातन की वधु क्यों न चंचला होए, ये हमारे यहाँ इसकी चेतना बाकायदा साहित्य के साथ जुड़ी रही है। तो मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में जो हम सबको ये बता रहा है कि यदि हम जंग लड़ेंगे, यदि हम संघर्ष करेंगे, यदि हम सहज और सरल रास्तों की तलाश करेंगे, तो हम कर सकते हैं। जैसा हमने किया, हमें बाहर के भोजन पर जो निर्भरता थी, होटल्स में, मॉल्स में,
इन सब में हम दो ढाई महीने से नहीं जा रहे, अभी और दो चार महीने नहीं जाएंगे, डर इतना बना हुआ है, स्वाभाविक है। तो इससे हमें अपनी हैबिट्स को बदलना होगा और आत्म अनुशासन, जिसकी बात हमारा साहित्य करता है, अभी मैं चर्चा करूंगा, तो उस पर हमें सोचना विचारना होगा। हम क्यों प्रकृति के शत्रु हो गए, प्रकृति की रक्षा करना हम भूल गए, हमारे कवियों ने, हमारे लेखकों ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे दार्शनिकों और चिंतकों ने प्रकृति के महत्व को बार बार रेखांकित किया। हमारी पुरानी पिक्चरें देखें, पुराने नाटक देखें, पुरानी रचनाएं देखें, उसमें ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, ये पत्रवाहक भी थे, संदेशवाहक भी थे। कालिदास ने जो मेघदूत लिखा, उसमें मेघ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, पशु पक्षियों की भूमिका जो संदेशा लेकर जाने की बात करते थे। लेकिन वो सब हमने, ये जो इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट है, इसके तहत हमने उन सब की महत्ता को भी विस्मृत कर दिया। मुझे लगता है कि हमें सोचना होगा कि जो सहयोग है, ये परस्पर आवश्यक है। हम संसार के सुख में, संसार के दुख में, क्योंकि साहित्य ने सहृदयता की बात की है। रस का, कविता का, साहित्य का अधिकारी कौन? तो कहा गया सहृदय। और सहृदय कौन? तो सहृदय वो नहीं जो दूसरे के सुख में तो शामिल हो जाए और दुख आए तो भाग जाए, ऐसा नहीं, सुख में भी शामिल हो तो दुख में भी शामिल हो। बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियां हमारे साहित्य में हैं। कहा जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर किसी का मीठा खाया है तो उसका कड़वा भी खाना आना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी के सुख में शामिल हुए हो तो उसके दुख में भी शामिल होना चाहिए। अभी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में तो मनुष्य मनुष्य से डरने लगा है। हम लोग एक दूसरे से किस आत्मीयता से मिलते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, लेकिन इस महामारी ने हमें इतना भयभीत कर दिया, डरा दिया। तो हमें ये भी सोचना होगा कि हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। कई महामारियां हमारे यहाँ आई हैं, और अगर हम अद्यतन जो जानकारियां हैं रेडियो टीवी पर अखबारों में देख रहे हैं, तो हर 100 साल बाद एक बड़ी महामारी दुनिया में आती है। हमने 1720 में भी महामारी देखी, 1820 में भी देखी, 1920 में भी देखी, और अब 2020 में हर 100 साल बाद आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये हम प्रकृति जो है वो अपना स्पेस ढूंढ रही है और उसको अपनी जगह चाहिए। यही कारण है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स जिनको हम कहते हैं, वो अलग अलग तरह से आते हैं। कभी किसी रूप में, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी पर्वत और पहाड़ बहने लगते हैं, कभी समुद्र उछाल मार देता है। अभी हमने देखा कि बंगाल में और उड़ीसा में जो कुछ हुआ, तो ये हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी नदियां गंदी दूषित कर दी, हमने अपनी अपने झरने सारे खत्म कर दिए, अपने पर्वतों को गंदा बना दिया। हम जाते हैं पर्यटन के लिए और वहां तमाम पॉलिथिन और ये सब इस तरह की गंदगी जो है वो वहां छोड़कर आ जाते हैं, तो जो ग्रीनरी है वो खत्म हो रही है। ऐसे अनेक संदर्भ हैं जहां पर हम देख सकते हैं, और उसी का परिणाम है कि हम जिंदगी से और मौत से अब जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुझे ये लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जो जो नुकसान हम उठा रहे हैं या हमने उठाया है, उसको, उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं आने वाले समय में। लाखों लोग, आप देखिए कितने लाख लोग मर चुके हैं, कितने लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, और ये दिन प्रतिदिन संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और हम अभी भी बहुत सारी चीजों से सीख नहीं पा रहे हैं। तो आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा, समाज सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रीय संपदा की सुरक्षा, ये सारे बिंदु हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा जाता है। हम तो कहते हैं कि मधुमेह अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। और आज उस देश में हम जो हमारे भारतवासी विदेशों में थे, हम उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। जो अन्य लोग यहाँ आश्रित हैं, उनकी रक्षा की चिंता भी कर रहे हैं। और जो कामायनी का संदेश है, मनु ने जिसकी तरफ संकेत किया, औरों को हंसते देखो, तो हमने अपने सुख को विस्तृत और व्यापक करने की जो शिक्षा हमारे साहित्य ने दी है, उन सबको ध्यान में रखकर हम विचार करें। हम, हमारी जो आस्था है, हम उसको छोड़ बैठे। हमने विज्ञान आधारित होकर जो पारंपरिक मूल्य है उनको विस्मृत कर दिया है। मनुष्य ये समझने लगा कि वही सबसे बड़ी ताकत है,
जबकि जो वास्तव में बड़ी ताकत है उसे वो भुला बैठा। तो देश की जलवायु की रक्षा एक हमारा हमारे सामने चुनौती है, और हमारी जो साधना पद्धति है उसमें जो योग की भूमिका है, भारत ने विश्व को योग जैसी एक संपदा दी है, एक बहुत अच्छी विधा दी है, तो योग साधना से हम स्वस्थ रह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र हमारा जो है, जो आयुर्वेद का है, उससे हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हम सबके घरों में एक एक औषधालय विद्यमान था, हमारी रसोई में एक चिकित्सालय विद्यमान था, हम उसको भी कुछ कुछ भुला बैठे। तो ये कुछ वो बिंदु हैं जिनको मुझे लगता है कि फिर से याद करने की जरूरत है। हमें अपने तमाम उन गुणों को जो संस्कृति के हैं, जो सभ्यता के हैं, जो संस्कारों के हैं, जो मूल्यों के हैं, उन पर चिंतन करना होगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि हमारा साहित्य इसके बारे में हमें जागरूक करता रहा है। तो जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, हम उन मूल्यों के पक्षधर रहे, और मनुष्य को मनुष्य समझे, हम उन मूल्यों के पक्षधर रहे। लेकिन हमने तो टूल बना दिया, औजार बना दिया, उसे पैसा कमाने की मशीन बना दिया मनुष्य को, हम उसमें शामिल हैं सबके सब। तो मानव को मानवता की शिक्षा, संस्कृति के निर्माण की शिक्षा हम देते रहे। ये संस्कृति जो है, ये वास्तव में ये सृष्टि जो है, ये ईश्वर की बहुत सुंदर रचना है, ये वो नियंता है, और ये उसकी बड़ी सुंदर कविता भी है, ये उसकी बड़ी सुंदर कृति भी है। इस कृति को जब ईश्वर ने बनाया था तो ये निर्दोष थी, निष्पाप थी, लेकिन इस कृति को हमने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूषित कर दिया, तो संस्कृति को अपसंस्कृतिकरण से जोड़ दिया। उसी की चुनौतियां और समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। और साहित्यकार क्या करता है, हम जब कहते हैं कि साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध की बात करते हैं, तो साहित्यकार हमें किसी नियंता की तरह यहां से उठाकर स्वर्गलोक में सीधे नहीं ले जाता, बल्कि वो मानव मात्र के लिए, सृष्टि के लिए स्वर्ग का निर्माण इसी पृथ्वी पर करता है। और वो बताता है कि जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, तो संस्कृति का निर्माण, संस्कृति का परिष्कार, हमारे मूल्यों की संरक्षा, ये भी हमें सिखाता है। समाज और परिवार का अंतर संबंध, परिवार और राष्ट्र का क्या दायित्व तो जुड़ा हुआ है, क्या जिम्मेदारियां हैं, वो राष्ट्र के प्राण तत्व हैं, मनुष्य, समाज, उसकी संस्कृति, इसलिए उसकी शिक्षा भी हमारा साहित्य हमें देता है। और आस्था, हमने कामायनी पढ़ी है सबने, और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, वो जो प्रलय तब आया था देव संस्कृति में, वो प्रलय फिर से हमारे सामने है, और हम सब के सब अश्रु बहा रहे हैं, हम सब के सब चिंतित हैं, भयभीत हैं, और हमें लग रहा है कि ये जो घट रहा है ये कब खत्म हो, और हम कब निश्चिंत हो जाएं, निडर हो जाएं, निर्भय हो जाएं। तो आशा का संचार, आस्था का संचार, हमने जो हमारे भीतर उस एक अदृश्य शक्ति के प्रति भक्तिभाव है उसे भुला दिया, उसकी ताकत को हमने कम तर कर दिया, हमने विज्ञान को बहुत महत्व दे दिया, हमें लगा कि साहब हम तो क्लोन बना सकते हैं, हम तो किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने एक झटके में हमें सिखा दिया कि अपनी जो तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, उतने ही पांव फैलाइए जितनी चादर दी गई है। तो मनुष्य की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहकर, मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रयास नहीं करने चाहिए, प्रयास कीजिए, लेकिन उसकी सत्ता में जो हस्तक्षेप है, दखल है, वो मुझे लगता है उसके खामियाजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। औचित्य बोध क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये हमारा साहित्य हमें सिखाता है। हम पूरा मध्यकाल का नीति साहित्य देख लीजिए, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो कृष्ण भक्ति काव्य हो, राम भक्ति काव्य हो, या रीतिकाल का नीति काव्य हो, या हमारे आधुनिक युग में भी बहुत से कवियों ने बहुत सी नीति की सूक्तियों का सृजन किया जो हमें जीने की शैली का बोध कराते हैं। तो ये जो हमारा आंतरिक उन्नयन है, ये जो आध्यात्मिक उन्नयन है जिसको हम भुला बैठे थे, उसकी तरफ आज फिर से सोचने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, और ये स्थितियां हमें बता रही है कि लोक कल्याण परहित, तुलसी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भाई
हम अपना हित करें ये ठीक है, लेकिन अपना हित करने से किसी अन्य का अहित ना हो। हम चाइना के परिप्रेक्ष्य में देख ही रहे हैं, चाइना आज दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है। वो पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और सत्ता की दृष्टि से उसकी जो लालसाएं लिप्साएं वो बढ़ती जा रही। तो आप अपना उन्नयन अपना विकास कीजिए, लेकिन दूसरे का कम से कम नुकसान तो ना करें। तो हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य हमें बताता है कि हमें आत्म उन्नयन, आत्मनिर्भरता, आत्म विकास, इस पर सोचना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों की जो त्रिवेणी है उसको हमने सदा से महत्व दिया है। अगर इनमें से एक भी छूट जाता है तो हम चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हमारे जो वैयक्तिक मूल्य हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, वो साहित्य ने उसकी शिक्षा हमें दी है। आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, संतोष और धैर्य होना चाहिए, संकल्प और सहृदयता होनी चाहिए। ये हमारे जो मानवीयता के, मनुष्यता के, वैयक्तिकता के जो मूल्य हैं, हमारा साहित्य उसकी तरफ संकेत करता है। नैतिक मूल्यों में कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, हमारी जो ड्यूटी है उसको हम पूरा करें जो हम भूल गए। ईमानदारी, त्याग होना चाहिए, बलिदान होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और इस सब के साथ साथ सदाचार जो हमने बुला दिया, हम तो कदाचारी हो गए, शिष्ट व्यवहार, सत्य निष्ठा, व्यवस्था का सम्मान, हमने व्यवस्था का सम्मान करना भी छोड़ दिया, ऐसे अनेक प्रश्न है। और सामाजिक मूल्यों में सद्भावना बहुत महत्वपूर्ण है, आज उसकी जरूरत पड़ रही है, सहानुभूति, सहयोग, परस्पर एक दूसरे के कार्य में सहायता करना। अभी तो जिस संस्कृति से हम जुड़ गए थे वो तो ये कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये जो ईर्ष्या है, ये जो राग द्वेष है, ये जो एक दूसरे से चलन करना है, वो सब समस्याएं बन रही थी। राजनीतिक मूल्यों में राष्ट्र प्रेम है, स्वतंत्रता है, अनुशासन है, विजयोल्लास है, इन सबको हमने देखा कि अभी इन्हीं दिनों में हमने जिन्होंने देश की सेवा की, जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। हम कृतज्ञ हो गए थे, हमने ऐसे लोगों को जो समाज सेवी थे, जो राष्ट्र सेवी थे, जो मानव सेवी थे, उनके प्रति हमारी जो कृतज्ञता थी वो गायब हो गई। कितनी संस्थाएं हैं जो मनुष्यों को, मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को खाना खिला रही, कितने लोग हैं जो अपनी जेब से अपनी तनख्वाह खर्च करके काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र की का जो रक्षा कोष है उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये सारी भावनाएं फिर से जागृत हो गई, हम सबको लगने लगा है कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए, इस दिशा में ये नियमित और सतत होना चाहिए। ये तात्कालिक नहीं कि आज आपदा आ गई और हम सोचने लगे। और इसी तरह हमारी जो भक्ति भावना है, नाम, हमारे यहाँ नवदा भक्ति में नाम स्मरण की महत्ता, कीर्तन की महत्ता, प्रार्थना की महत्ता, ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति की महत्ता, हमने कुछ कुछ इस भौतिकतावादी बाजारवादी संस्कृति में इनको भुला दिया था। समय नहीं हमारे पास, हम भाग रहे हैं। मैंने देखा कई बार कि बस में, मेट्रो में, कार में बैठकर लोग भगवान का नाम ले लेते हैं, नाश्ता गाड़ी में बैठकर करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है। ये सारी इस तरह की जो स्थितियां हैं ये बहुत खतरनाक बन गई थी, और हमारी जो सौंदर्य चेतना है वो भी गायब हो गई थी। अब देखिए प्रकृति का सौंदर्य, हमने बरसों हो गए, मैं अभी बच्चों से बात करता हूँ, कहीं किसी मित्र से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ न जाने कितने साल हो गए बहुत स्वच्छ नीला आसमान और उसमें तारे देखे हुए, लेकिन अब दिखाई दे रहा है, घरों पर मोर दिखाई दे रहा है। कभी किसी जमाने में हम साहित्य में पढ़ते थे कि जहाँ ललित ललनाओं के साथ जिन घरों में मोर नाचते हैं वो घर कितने सौभाग्यशाली होते हैं। आज हम देख रहे हैं दिल्ली जैसे महानगर में, ऐसे तमाम भारत के महानगरों में इस तरह के पशु पक्षियों को हम अब तोता, मैना, चिड़िया, कबूतर देख रहे हैं, जो पहले कई साल हो गए थे देखे नहीं थे लोगों ने। तो ये जो कला प्रेम है, प्रकृति प्रेम है, सौंदर्य चेतना है, ये सब भी जागृत हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक परिवर्तन है। अगर मैं कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बात और स्पष्ट हो पाएगी। ये जो उपभोग करने की, बाजारवाद की संस्कृति है, इसने
हमें इतना लिप्त कर दिया कि हम भूल गए कि हमें मरना भी है। मरना तो सबको है, मृत्यु अवश्यम भावी है, डेथ इज एटर्नल, ये हम जानते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कितने कवियों ने, कितने संतों ने, कितने लेखकों ने इसकी तरफ संकेत किया। माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें कलई हमारी बार। हमें पता है कि आज माली जो है वो काल है, ये काल जो है, ये मृत्यु जो है, ये खिले खिले फूल तोड़कर ले जा रही है, लेकिन कल हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी समय आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु को याद रखेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। लेकिन आज ये समय बता रहा है और ये कह रहा है कि वस्तुतः हमें मृत्यु को याद रखना चाहिए। बिहारी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा जिसमें वो कहते हैं कि ये जो काल रूपी हाथी है, ये मुख पर, ये सर पर मुख खोलकर बैठा हुआ है, और मनुष्य तू विषय वासना में लिप्त है। मैं अभी याद आएगा तो आपको बताऊंगा कि ये जो हाथी रूपी काल है, ये मुख खोलकर तेरे सर पर तैनात बैठा है, अवसर की तलाश में है कि कब तुझे ग्रस लेगा, और तू है कि विषय वासना। तो विषय तृषा तज हज परिहरि अजो, विषय तृषा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाओ। नर हरि, नरसिंह भगवान, इनके गुण गाओ। क्यों? क्योंकि जो हाथी नरहरि का जो अवतार था वो आधे सिंह और आधे नर थे, क्योंकि भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को विष्णु को ये अवतार लेना पड़ा। तो हाथी रूपी काल से मुकाबला कौन कर सकता है? शेर रूपी भगवान, क्योंकि हाथी से टकराने की ताकत तो शेर के पास ही होती है। तो वो बड़ा सुंदर बिहारी ने उसका उल्लेख किया। तो ये जो जम करी मुंह तरी हरि परयो, ये वो दोहा है, यमराज रूपी करी, करी माने हाथी, जम करी मुंह तरी हरि परयो इह धरि हरि चित लाओ। इस बात को हे मनुष्य चित्त में धारण कर ले कि यमराज रूपी हाथी मुंह खोलकर तेरे सर पर तैनात है, इसलिए तू विषय तृषा तज परिहरि अजो नर हरि के गुण गाओ। लेकिन हम तो सब भूल गए, विषय वासना में इतने लिप्त हो गए कि हम ये भूल गए कि हमें मरना भी है। हमारा जो अहंकार है, हमारा जो दंभ है, उसने हमें मनुष्य को मनुष्य समझने से, समाज को समाज समझने से न जाने कितनी दूर फेंक दिया। तो वो एक स्थिति हमारे सामने है। हम ये भी भूल गए कि वो भगवान, वो ईश्वर, वो शक्ति जिसने ये सृष्टि रची है, वह जब चाहे जैसा चाहे करता है, कर सकता है। ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये वही है। हम कितने अद्यतन और अधुनातन हो जाए, हम ये ड्यूएलिटी है, ये दोहरापन है के मंच से खड़े होकर भगवान को नकार दें, ईश्वरीय सत्ता को नकार दें, लेकिन घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा पाठ हो तो यज्ञ भी करेंगे, बच्चे का नामकरण भी करेंगे। ये जो ड्यूएलिटी है, ये खतरनाक है। ये हम समाज के सामने एक चेहरा और दूसरी तरफ दूसरा चेहरा, व्यक्ति परिवार में कोई मृत्यु होती है तो संस्कार करने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? ईश्वर के प्रति कोई विश्वास होगा तभी जाते हैं, नामकरण करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, विवाह करते हैं, तो सप्तपदी भी लेते हैं, अग्नि के सामने चक्कर भी लगाते हैं। तो अग्नि को देवता माना, जल को देवता माना, वायु को देवता माना, ये जो मानसिकता है हमारी, इसको हमने भुला दिया था। इसलिए प्रकृति हमें बता रही है कि इन चीजों को नकार कर मनुष्य इस पूरी व्यवस्था पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे चंडी चरित का, गुरु गोविंद सिंह का एक बड़ा सुंदर छंद है कि आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा। भगवान के कितने गुण गिनवा दिए, आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा, न तो नष्ट होता है, न दिखाई देता है, न पार उसका कोई पा सकता है, आदि आदि। कै शिव शक्ति दये श्रुतिचार रजोतम सत तिहू पुरनासा। सत रज तम, इन तीनों का सृजन, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये किसने बनाए? उस आदि शक्ति ने। वो जो भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई आदि शक्ति है ना, सारे देवता जब जब पराजित होते हैं तो कहाँ भागते हैं? शक्ति की शरण में। लुट गए, क्यों लुट गए? क्योंकि विलासिता में डूब गए, भोग में डूब गए, और जब जब भोग विलासिता में डूबती है देव संस्कृति, तब तब वो फिर से शक्ति की शरण में जाती है। हम ये जो महामारियों से जूझते हैं, पराजित होते हैं,
और हमें अपनी औकात का पता लगता है तो हम फिर शक्ति का आह्वान करते हैं। यही आत्मशक्ति है, यही आत्मबल है और यही ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है। और फिर से हम हाथ जोड़ने लगते हैं, फिर से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु हमें बचाओ। तो ध्वस निशा, ये जो दिवस है माने दिन और रात, ध्वस निशा शशि सूर्य के दीप, ये जो चंद्रमा है, ये जो सूर्य है, ये किसने बनाया? ये उसी ने बनाया। ये जो आलोक है ये उसी का है। ये दिए ऐसे ऐसे आलोक के दिए उन्होंने बना दिए कि कोई वो कर नहीं सकता। सुसृष्टि रची पंच तत्व प्रकाश, पांच तत्वों से इस पूरी सृष्टि का सृजन किसने किया? उसी शक्ति ने। और अंत में क्या कहा? बैर बढ़ाई लड़ाई सुरासुर, आपो ही देखत बैठ तमाशा। कि वो सुर भी उन्होंने बनाए भगवान ने और असुर भी बनाए, और खुद वो अब क्या कहते हैं कि भाई मनुष्य को अपना धर्म पालना चाहिए, नहीं पालेगा तो असुर उस पर काबिज होंगे। अगर हम अपने भीतर अपनी आत्मशक्ति को प्रबल नहीं रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को प्रबल नहीं रखेंगे, तो निश्चित रोग हम पर हावी होंगे, निश्चित हमारे अंदर के शत्रु हम पर काबिज हो जाएंगे। तो ये तमाम पूरी प्रतीक व्यवस्था है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मनुष्य है वो भौतिकता में लिप्त हो गया और जो सच है उसे देखता नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ना कि जो जल में कुंभ, कुंभ में जले, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले ही समाना, कबीर ने कहा, उसी अद्वैतवाद को प्रतिष्ठित किया कि हम भूल जाते हैं कि हम अंश हैं उस अंशी का। ये जो अंश अंशी संबंध है ये कब याद आता है? जब हम किसी को शमशान घाट जाते हुए देखते हैं, किसी को मरते हुए देखते हैं, तब तो हमें पता लगता है ओहो हमें भी मरना है। यानी वहां जाकर तो हमें सत्य का बोध होता है कुछ समय के लिए, लेकिन वहां से निकलते ही, शमशान घाट से निकलते ही फिर घड़ी देखते हैं, फिर ऑफिस याद आता है, फिर घर याद आता है, फिर भोजन याद आता है। ये जो स्थिति है ये ठीक है कि ईश्वर मायावी है, उसने ये मायावी संसार बनाया और संसार इसलिए बनाया कि हम उसमें लिप्त रहें, अन्यथा तो हम सब के सब बड़े परेशान हो जाएंगे। जैसे अभी 2-2.5 महीने में हो गए, हम अपने कामकाज से छूटे हुए हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, मार्केट नहीं जा पा रहे, अपने तमाम दैनिक चर्या जो है उसको नहीं निभा पा रहे, और उसके साथ साथ डर और भय भी है। तो ये भी ठीक है कि वो सब आवश्यक है, लेकिन उसकी सीमा है, हमने सीमाएं लांग दी है, हम क्रॉस कर गए। इसीलिए एक जगह कबीर कहता है कि ये मनुष्य की क्या विडंबना है, सांसारिक मनुष्य की, कि चलती को गाड़ी कहे, चले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। कबीर क्यों रो रहे हैं बार बार? इसलिए कि ये जो सांसारिक मनुष्य है ये कितना बेवकूफ है कि जो चीज चल रही है चलती को गाड़ी कहे, उसे कहने गाड़ दी, एक नया अर्थ लिया, गाड़ी माने गाड़ी हुई, चलती को गाड़ी कहे, चले दूध को खोया। आग पे रखकर दूध को खूब चलाते हैं 2-3 घंटे, तो उसमें जो सार है वो प्राप्त होता है, उसको कहते हैं खोया। दूध जब सूख जाता है ना तो उसका खोया बनता है, तो उसको हम जो प्राप्त हो रहा है असली सार तत्व, उसे हम कह रहे हैं खो दिया। तो चलती को गाड़ी कहें, चले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें, और जो संतरा है वो कलर्ड है, वो रंगीन है, उसे नारंगी कह रहे हैं, देख कबीरा रोया। कि ये जो भौतिकता का, भौतिकता में बाजारवादी संस्कृति में लिप्त मनुष्य है, इसको सत्य दिखाई नहीं देता, इसे वही दिखाई देता है जो आंख पर पर्दा चढ़ जाता है। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो हमारे साहित्य ने हमें बदलते परिदृश्य को, बदलते मूल्यों को, बदलती सभ्यता और संस्कृति पर प्रभावित करने वाले तत्वों को, इनके बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। और यह भी कहा कि एक जमाना था जब सज्जन आदमी जो होते थे उनकी लोग प्रशंसा करते थे कि ये बड़ा गऊ आदमी है, ये बड़ा सज्जन आदमी है, ये बड़ा भला आदमी है, नेक आदमी। और आजकल सज्जन और नेक आदमी को कहते हैं बड़ा मूर्ख आदमी है। तो ये जो आधुनिकीकरण है, ये जो पाश्चात्यकरण है, इसने हमें धन केंद्रित संस्कृति से जोड़ दिया। इसलिए आज जो 2 नंबर की कमाई है वो भी महत्वपूर्ण हो गई है, हम उसको भी काउंट करने लगे कि साहब कितना कमा लेते हो, कि तनख्वाह तो 30,000 है लेकिन 10-15 ऊपर से भी बन जाता है। तो ऊपर से बनना भी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अब ये एक जीवन का हिस्सा बन गया। तो ये जो मानसिकता है हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या इसके साथ जी सकेंगे। इसी का कारण, यही परिणाम है कि देख बदलती ऋतु यहाँ कोयल है गई मौन। इस बदलते हुए परिवेश में, सिनेरियो में कोयल जो है वो चुप हो गई। देख बदलती ऋतु यहाँ कोयल है गई मौन, दादुर अब वक्ता भय हम ही पूछे कौन। अरे जब बरसात के दिनों में मेंढक
टर्टर करने लगते हैं तो कोयल बेचारी चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है कि उसे कौन सुनेगा। और हम सब लोगों की स्थिति यह है कि पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने आक्रांत हो गए कि जो सज्जन लोग हैं, जो भले लोग हैं, उन्होंने भी अपने मूल्यों को भूलना छोड़ना शुरू कर दिया। उनको लगता है दूसरों को देखकर कि ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। लेकिन सच बात यह है कि वो जो दुष्ट से छला हुआ व्यक्ति होता है ना, पिसुन वचन माने जो दुष्ट है उसके वचनों से छला हुआ व्यक्ति सज्जनों पर भी भरोसा करना छोड़ देता है। ये हमारे नीति साहित्य में बाकायदा वृंदादि कवियों ने इस तरह के बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो हमें अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत धोखेबाज लोग आज के समाज में हैं, हम जानते हैं। किसी को पानी पिलाते हुए भी डर लगता है, किसी को घर में बुलाते हुए भी डर लगने लगता है कि पता नहीं ये आदमी कौन है। अभी ये जो मास्क कल्चर आई है, इस मास्क कल्चर को लेकर भी कितने वीडियो हम देख रहे हैं कि फ्री में मास्क दे रहे हैं और मास्क में उन्होंने कुछ इस तरह की दवा डाल दी है कि आप बेहोश हो जाओ और उखाड़ खोल कर आपकी घड़ी चैन आदि सब ले जाएं। तो ये भी तो हम जिस समाज का हमने विकास किया है, क्या वो भारतीय संस्कृति का समाज है, ये सोचने की बात है। लेकिन फिर भी हमारा साहित्य हमें कहता है कि घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्यों? स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल रहती हैं। अरे असुर भी भगवान ने बनाए और सुर भी भगवान ने बनाए, लेकिन हमें अपनी सुरी वृत्ति को नहीं छोड़ना। हमें अपनी जो ऋषि वृत्ति है, संत वृत्ति है, मानवता की वृत्ति है, उसे नहीं छोड़ना। इसलिए रहीम क्या कहते हैं, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। दो ढाई महीने निकल गए, कोई बात नहीं, अच्छे दिन फिर आएंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए और हर स्थिति का सामना तो करना है। असुरों से पराजित सुरों ने जब जब फिर से संघर्ष किया, उनको पराजित किया और फिर से अपना राजपाट, इंद्र फिर से राजा बने। कई बार ऐसा हुआ, कभी जो महिषासुर आ रहा है, कभी शुंभ निशुंभ आ रहे हैं, कभी दूसरे दानव, रक्त बीज आ रहा है। हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो कितने ऐसे प्रसंग हमें दिखाई देते हैं जिनमें इसका उल्लेख भी मिलता है। और इस सब के साथ साथ के गुणी व्यक्ति को अपने गुण नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि समय जो है उसका बोध करा देता है सबको। जे रहीम उत्तम प्रकृति काकर ही सकत कुसंग, बुरी स्थितियां बुरी संगति क्या कर लेंगी। अगर हम ठीक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हम संकल्पी हैं, हमारे पास आत्मबल आत्मविश्वास है, तो कोई बात नहीं। ये चुनौती तो दुनिया झेल रही है तो हम भी झेलेंगे, इससे बाहर निकलना है। तो जे रहीम उत्तम प्रकृति काकर ही सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापी नहीं लिपटे रहत भुजंग। हमें अपनी प्रकृति नहीं छोड़नी। दूसरे को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर हम कहेंगे साहब वो है ना कुलटा भूषित देखकर कुलजा तजे नशीत। अगर कोई कुलटा वेश्या जो है वो बहुत सारे आभूषण पहने हुए है, तो उस आभूषणों से सज्जित वेश्या को देखकर जो कुलवधु है वो अपना शील नहीं छोड़ देती। यही तो मानव व्यवहार है। तो हमें इन परिस्थितियों में घबराना नहीं है और ये देखना है कि कहाँ कौन काम आ सकता है, किसकी क्या स्थिति हमारे लिए उपयोगी होगी, कौन हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में क्या मदद कर सकता है। रहीमन देख बड़े इनको, कभी न लघु न दीजिए डार। बहुत बड़े बड़े लोगों से संगति कर लें, मित्रता कर लें, लेकिन छोटे मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। ये पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज हम देख सकते हैं हमारे मित्र कौन है, कौन कौन हमारी मदद के लिए प्रस्तुत हैं और हम कितने लोगों की मदद कर रहे हैं दुनिया में। आप देखिए कितने छोटे छोटे देश हैं जिनको भारत इस विकट स्थिति में मदद कर रहा है। हम संकट का सामना कर रहे हैं लेकिन हम उनकी भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया। तो रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, कहां जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आ सकती। और इसी तरह बड़े लोगों से संगति होनी चाहिए। और इसी तरह उद्यम की बात हमारे यहाँ बहुत अच्छी कही गई। ये कहा गया कि उद्यम से सब जीवन की सफलताएं सिद्ध होती हैं, लक्ष्य हमारे प्राप्त होते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। अगर पंखे की हवा चाहिए तो हिलाना तो पड़ेगा हाथ ना, श्रम तो करना पड़ेगा ना। विद्या धन उद्यम बिना,
सारे धन मिल सकते हैं, पिता की संपत्ति मिल सकती है, पिता का पैसा मिल सकता है, लेकिन पिता की शिक्षा, पिता का ज्ञान नहीं मिल सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। पंखे की हवा चाहिए तो पंखा तो हिलाना पड़ेगा। और फिर इसके ठीक विपरीत ये भी बताया, क्योंकि नीति साहित्य में, मध्यकालीन साहित्य में ये बातें बहुत अलग अलग तरह से रेखांकित की गई। उसमें ये भी कहा कि अगर परिश्रम करने से, उद्यम करने से फल नहीं मिल रहा तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि फल का जब समय आएगा, जिस रूप में मिलना है तब मिलेगा। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत गीता में जो कहा गया कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। हम फल पर अधिकार जताने लगते हैं तो प्रभु हमने मेहनत की हमें मिला नहीं। अरे तुम्हें जब मिलना है तब मिलेगा, जितना मिलना है कब मिलेगा। इसलिए सहज पके सो मीठा हो। तो क्या कहा? कहा किए उद्यम किए। उद्यम करने से भी क्या होता है? कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल। अगर विधाता ही प्रतिकूल है तो मेहनत क्या करेगी। तो कहा किए उद्यम किए जो विधि ही प्रतिकूल, जैसे उपजे खेत को शलभ करे नेतु। किसान ने मेहनत की, खेत पूरा तैयार कर दिया, हरा भरा हो गया, फसल लहलाने लगी, लेकिन टिड्डी दल रात को आया और सारी फसल चौपट कर गया। तो श्रम में तो कोई कमी नहीं थी, परिश्रम में तो कोई कमी नहीं थी। इसलिए कई बार हमें निराशा भी होती है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी साधना की, लेकिन उसका वो फल हमें नहीं मिल सका। वो फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। वो जिसके पास है वो तय करेगा। हमें अब हम जो कर्म कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। इस सिनेरियो में, इस परिस्थिति में हमने भारतवासियों के आचरण से, व्यवहार से ये देखा कि हम जो कर सकते हैं वो करें, बाकी तो जो होगा वो होगा। और अंततः तो भाग्यम फलति सर्वत्रम, न च विद्या न च कर्मम, ये भी कहा गया हमारे यहाँ नीति साहित्य में कि अल्टीमेट जो सोल्यूशन है, रिजल्ट है, वो भाग्य से ही होता है। यानी कर्म भी भाग्य से फलित होता है। इसलिए कर्म करना हमारे हाथ में है, भाग्य का निर्धारण हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत बार अनेक तरह से हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है। नीति काव्य तो इतना बेहतरीन व्याख्या करता है मध्यकालीन साहित्य में, उद्यम कबहू न छाणिए पर आशा के मोद। दूसरे के प्रति उम्मीद लगाकर उद्यम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना काम कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए। गागर कैसे फोरिए उनियों देखी पयोध। अगर पयोधर उमड़ रहा है, खूब पानी भरा हुआ है समुद्र में, नदी में, और आप अपनी गागर फोड़ दें कि अब तो पानी भरा ही हुआ, अब क्या जरूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उद्यम तो आपको करना ही है। गागर को भर के पानी घर लाएंगे तभी बात बनेगी। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। हम कड़वी दवाई के बिना असर नहीं होता, तो प्रकृति ने हमें कड़वी दवाई खिलाई। हम बहुत मीठी मीठी दवा खा रहे थे ना, तो देखिए बुरे लगत सिख के वचन ही है विचारो आप। अपने हृदय में विचार कर देखिए, माता पिता कहते थे, गुरुजन कहते थे, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये उचित है, ये अनुचित है, लेकिन बुरा लगता था यार, ये हमें रोज शिक्षा देते रहते हैं, रोज कोरा उपदेश देते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है। लेकिन वास्तव में शिक्षा के वचन बुरे तो लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कड़वे भेषज के बिना, भेषज माने दवा, कि कड़वी दवाई खाए बिना कठिन रोग से निदान नहीं है। कड़वे भेषज बिना बिन पिए मिटे न तन को ताप। ये जो ताप है ऐहिक दैहिक भौतिक, ये तो आज तो हम सभी तापों से त्रस्त हैं। उन सब से अगर परिचय, उनसे मुक्त होना है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बड़े जो कहें वो जरूर करो, बड़े जो करें वो मत करो। ये भी नीति शास्त्र में कहा गया कि बड़े बुजुर्ग जो कहें, माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, वो जरूर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, लेकिन वो जो करें उसकी नकल मत करो, उसका अनुकरण मत करो। दूसरी पंक्ति में क्या कहा कि जैसे भगवान शिव, वो तो सबसे बड़े हैं ना, देवों के देव, वो जो कहें वो तो कर लो, लेकिन वो खुद जो करें उसका अंधानुकरण मत करो। वो तो निर्वस्त्र घूमते हैं, तुम निर्वस्त्र घूमोगे तो मारेंगे लोग पकड़ के। इसलिए बड़ों की नकल मत कीजिए, बड़ों के कहे का पालन कीजिए। तो अति परिचय होते हैं, देखिए
जहाँ बहुत अधिक निकटता, घनिष्ठता, आत्मीयता हो जाती है ना, वहां धोखा जरूर होता है, वहां छल जरूर होता है। और ये जो शब्द बनाए ना विश्वासघात, ये बनाए इसलिए कि जब विश्वास होता है तो घात भी वही करता है जिस पर हम भरोसा करते हैं। तो अति परिचय होते हैं अरुचि अनादर भाय, जो बहुत परिचय हो जाता है ना किसी से, तो उनके प्रति या उनके हमारे प्रति अरुचि हो जाती है, अनादर हो जाता है और एक तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता है। कैसे? मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जराए, मलय पर्वत पर जो भीलनी रहती है ना स्थायी रूप से वहीं वास करती है, वो चंदन के महत्व को भुला देती है। चंदन कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, वो रोज अपने खाना बनाने में, अपने तमाम दैनिकचर्या के कार्यों में उसी चंदन को रोज जलाती है। जिस चंदन के लिए हम तरसते हैं, क्योंकि उसका तो परिचय बहुत है, उसके लिए तो निकटता बहुत है। इसलिए मित्रों, विधि रूठे तूठे कबन को करी सके सहाय, कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या है कि अगर विधाता ही रूठ जाए तो फिर कौन है जो खुश होगा। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान की कृपा है जिस पर सब उस पर कृपा करते हैं, और भगवान रूठ गया तो सब उससे रूठ जाते हैं, फिर कोई मदद नहीं करता। तो विधि रूठे तूठे कवन, अगर विधि रूठ जाए तो कौन है जो तुम्हें तुष्ट करेगा, तुम्हें खुश कर लेगा, को करी सके सहाय, और दुनिया में कोई सहायता नहीं करेगा, ना मित्र करेगा, ना पति पत्नी कोई एक दूसरे की करेगा, ना बच्चे करें, क्यों? क्योंकि विधाता ही प्रतिकूल है तो कोई कैसे मदद करेगा। बन दव भय जल गत नलिन कहें हिम देत जराए, वही जो रक्षक होता है वही भक्षक भी बन जाता है। वन की जो अग्नि है वो वन से पैदा होती है दावानल, और वही वन को जला देती है। तो स्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, और जो नलिन है, कमल है, वो कमल जिस पानी में पल्लवित पुष्पित होता है, अगर विधाता अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसी पानी को वो बर्फ बना देता है, और बर्फ बना देता है तो कमल जो है उसकी लाइफ, उसका जीवन खत्म हो जाता है, बर्फ उसे नष्ट कर देती है। तो इतने इतने उदाहरण है मध्यकालीन साहित्य में, चाहे वो श्रृंगार का साहित्य हो, हम इन दिनों में ब्यूटी पार्लर्स नहीं जा सकते, हम सबकी क्या स्थिति हो गई, हम कटिंग कराने हेयर ड्रेसर के पास नहीं जा सकते, तो सौंदर्य का भी अपना एक महत्व है। हमारे सबके रंग रूप हमने कितने व्हाट्सएप इस पर भी देखे कि 2-2.5 महीने बाद जब लोग घर से निकलेंगे तो साधु संतों की मुद्रा में दिखाई देंगे वस्तुतः, क्योंकि अब आप ब्यूटी पार्लर के पास और हेयर ड्रेसर के पास जा नहीं सकते, अभी इतने खतरे, इतने डर हैं, और बहुत लोगों ने तो घर में ही ये काम कर लिया, तो आत्मनिर्भरता आ गई। तो कुल मिलाकर हम बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनकी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, देखिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा रक्षक होता है वही हमारा भक्षक बन जाता है। जैसे विधाता के बारे में कभी कभी हमें अब डाउट होने लगता है ना कि यार कैसे भगवान है हमारे, हमें सब संकट में पड़े हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमने भगवान की सत्ता को नकार दिया। तो क्या कहते हैं, विधि को बिरचे सुजन हूं दुर्जन सम है जात, विधि के रचे हुए जो सज्जन लोग हैं, बुरा समय आता है वो भी दुर्जन बन जाते हैं, जो अपने हैं वो भी पराये बन जाते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं वो ही विश्वासघाती बन जाते हैं। ऐसा बहुत होता है, सबके जीवन में अनुभव होता है। दीप ही राखे पवन थे अंचल वहे बुझा, जिस दिए को स्त्री अपने आंचल से हवा से बचाती है, जब हम पूजा पाठ के लिए मंदिर आदि जाते हैं दिया जलाकर, तो आंचल से ढककर जाते हैं ताकि वो दिया हवा से बुझ न जाए। तो जिस दिए को हम आंचल से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, जब काम निकल जाता है तो उसी आंचल से उस दिए को बुझा भी देते हैं। तो ये विधि का विधान है, और ऐसी स्थितियों का सामना भी हम करते हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और गुण है तउ मनाइए, अगर किसी के पास कुछ गुण है तभी तो उसकी लल्लो चप्पो करते हैं, उसकी आव भगत करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मदद के लिए गुहार करते हैं। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि भारत के पास जो है उसके लिए लोग हाथ फैला रहे हैं कि हमें ये चाहिए और हम दे रहे हैं। तो वस्तुतः गुण है तउ मनाइए जो जीवन सुख भवन, अगर जीवन में घर में, भवन माने भवन, घर में सुख की कामना है
तो फिर हमें गुणी व्यक्ति को, गुणी वस्तु को, गुणी पदार्थ को घर में लाना भी पड़ता है। भले ही क्या कहता है, आग जरावत नगर तऊ आग न आनत कौन। हम सब जानते हैं कि आग जो है वो पूरी दुनिया को जला देती है, नगर जला देती है, जंगल के जंगल जला देती है, बड़ी खतरनाक चीज है आग। लेकिन कौन है जो आग को अपने घर में नहीं लाता? क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है, इसलिए हम गुणी को भले ही वो घातक है उसको लाते हैं। तो हम मित्रता कर तो लेते हैं किसी से, भले ही वो बाद में धोखा दे तो दे। अब ये ऐसी तमाम तरह की स्थितियां हैं जिनको लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हम दूसरों में दोष देखते हैं, हम दूसरे देशों में भी दोष देख रहे हैं, लेकिन गलतियां हमारी भी हैं, त्रुटियां हमारी भी हैं, हमने भी बहुत सारे अपराध किए हैं प्रकृति के और सत्ता के विरुद्ध। आज उसके खामियाजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। भले ही हम इसका दोषारोपण किसी एक देश पर डाल दें, किसी एक वायरस पर डाल दें, लेकिन सच बात यह है कि बुराइयां हमें अपने अंदर की बुराइयों में देखना पड़ेगा, इनसे निजात पाने के क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। और आप बुरे जग है बुरो, भलो भले जुग जान। हम बुरे हैं तो संसार भी बुरा लगता है, और हम अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे लगते हैं। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि तजत बहेड़ा छा सब गहत आम की आन। बहेड़े की छाया को छोड़कर आम की छाया में सब जाना चाहते हैं, जबकि बहेड़ा बड़ा उपयोगी फल है। हरण, बहेड़ा और आंवला, ये तीनों के मिश्रण से त्रिफला बनता है। तो बहेड़ा बड़ा स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है, लेकिन भागते किधर है? आम की तरफ। हम ये भूल जाते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है, क्या जरूरी है, लेकिन स्वभाव की बात है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोच समझ कर आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वाणी का प्रयोग करना चाहिए। याद कीजिए कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरक पाताल, आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल। ये जो जिह्वा है ना 1.5 इंच की हम सबके पास, ये मोस्ट अनरिलायबल है, बड़ी अविश्वसनीय है, ये कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं कि या तो बोलो मत या बहुत कम बोलो, क्योंकि कम बोलना सुखी रहना होता है, और ज्यादा जो बोलता है वो निश्चित गलत बोलेगा, वो निश्चित दूसरों के लिए घातक बोलेगा, कष्टप्रद करेगा। तो कबीरा जिह्वा बावरी, ये जिह्वा बावरी है, अविश्वसनीय है, कुछ भी अनाप शनाप बोलकर चली जाती है, खुद तो मुख जाकर अंदर छिप जाती है। कबीरा जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, स्वर्ग से पाताल तक पूरा नाप देती है जब बोलने पर आती है, नियंत्रण में रहती नहीं है। आप कहीं भीतर गई, खुद तो अनाप शनाप कुछ भी उल्टा सीधा अच्छा बुरा बोलकर अंदर छिप जाती है, दांतों का ताला लग जाता है, लॉक एंड की में चली गई, सेफ एंड सिक्योर हो गई। आप कहीं भीतर गई जूते खात कपाल, और खोपड़ी को भुगतना पड़ता है। तो मूल बात क्या है कि हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी जीवन शैली, अपनी दैनिकचर्या, इसको अनुशासन से जोड़ना है। जहां भी अनुशासन टूटेगा वहां खतरा बढ़ेगा, वहां उसके खामियाजे हमें भुगतने पड़ेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि वाणी जो है वह मनुष्य के आंतरिक व्यक्तित्व का बोध कराती है। भाषा को अस्मिता की पहचान से जोड़ा जाता है। इसलिए हम कुछ भी बोलें, अच्छा बोलें, जिह्वा पर कब सरस्वती बैठेगी पता नहीं है, ये भी हमारे यहाँ साहित्यकारों ने कहा, और तमाम तरह के जो मध्यकालीन कवि हैं जिन्होंने जीवन दर्शन को, जीवन की पूरे जीवना अनुभवों को हमारे साथ बांटा है, उन सब ने ये कहा कि सदा दूसरों के लिए अच्छे वचन बोलिए, किसी का किसी के लिए बुरे शब्द, कड़वे शब्द मत बोलिए। पता नहीं कब जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाए और आपका कहा ठीक हो जाए। अगर किसी का अहित हो गया आपके सोचने कहने से तो आप जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मीठी वाणी बोलिए जो सब। सर संहार करिए, सर संहार करूं? अच्छा ठीक है, एक आध दो बातें और करके फिर मैं बांटता हूँ, क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, इस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं सर, इसलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मित्रों कुल मिलाकर संतोष धन सबसे बड़ा धन है, और
गुण संग्रह से बड़ा कोई गुण नहीं है। अपने गुणों को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपनी सज्जनता को पहचानिए, और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरों से देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। अगर ये जीवन दर्शन है तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें अपने आप ही मिल जाते हैं। और दूसरों की बातों पर आप भरोसा न करें, याचना की स्थिति न हो, किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े, निर्भर हो, और क्योंकि रहीमन वे नर मर चुके जे कित मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाई। तो किसी को देने की स्थिति में है तो जरूर दीजिए, क्योंकि दान आदि करना भी हम सबके लिए बहुत उपयोगी है और सार्थक है। और किसी के आगे हाथ मत फैलाइए, क्योंकि ईश्वर ने शक्ति दी है, ताकत दी है, अगर उसके बिना मेहनत करके परिश्रम करके आत्मनिर्भर होके काम चलता है तो वो जरूर चलाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत लंबा विषय है, लंबी बात हो सकती है, लेकिन जितना समय था उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बात रखी। और अंत में जब आपने कहा दान देने वाली बात, तो हमेशा दान देने वाले का हाथ झुका हुआ होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा उठा हुआ होता है, ऊपर होता है, और देने वाला विनम्र होता है। ये बहुत जरूरी है जीवन में कि देने वाला विनम्रता से दे। उसी तरह सर रहीम की एक पंक्ति आपने नहीं की, मैंने तो आप ही सीखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटा है, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये प्रेम रूपी धागा को हमें हमेशा जोड़ कर रखना है, और मुझे लगा कि आपने अपने प्रेम रूपी वाणी से हम सबको जोड़ कर रखा और इतने देर तक सब लोग उससे रहे। लेकिन कुछ क्वेश्चन है सर, उस क्वेश्चन को हमें पूछना, मतलब उनकी जिज्ञासा है, क्वेश्चन तो नहीं है, उनकी जिज्ञासा है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर सुषमा देवी है हैदराबाद से, वे पूछ रहे हैं सर कि नई पीढ़ी को पाश्चात्य संस्कृति को बुरा कहे बिना उसके कुप्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। देखो कहा यह जाता है कि आधुनिक तो होना है, आधुनिकीकरण ये बुरा नहीं है, लेकिन अपने मूल्यों को भुलाकर, अपनी परंपराओं को भुलाकर, अपनी संस्कृति को भुलाकर अगर हम आधुनिकता के चंगुल में फंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक षड्यंत्र में फंस रहे हैं। इसलिए सार सार गही लय थोथा देई उड़ाए, जो कुछ ग्राह्य है वो ग्रहण करो, ये विकास का लक्षण है। और जो परंपरा और आधुनिकता है, ये परंपरा अगर पहला कदम है और आधुनिकता दूसरा कदम है, तो पहला कदम फिर से दोबारा आगे बढ़ेगा। ये परंपरा और आधुनिकता चलती रहती है, हम पारंपरिक मूल्यों की आधुनिकता के संदर्भों में नई नई व्याख्याएं करते हुए उन्हें अपने आचरण से जोड़ते चलते हैं, यही महत्वपूर्ण है। सर डॉक्टर ममता पंजाबी हैं, पंजाब से। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, वो धार्मिक भी होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण डिप्रेशन में चला जाता है, तब इस हाल में वो क्या करे। मैंने अभी इसका उत्तर दिया था, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगी है देर। हम सबके जीवन में, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन, सुख और दुख, ये दो किनारे हैं, इन दो किनारों के बीच में नदी बहती है, और नदी की धारा कभी इस किनारे से टकराती है, कभी उस किनारे से। दुनिया में एक भी उदाहरण हम ऐसा नहीं दे सकते जो सदा सुखी रहे या जो सदा दुखी रहे। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो विधि ने जो लिखा है उसको हंसकर हमें मुकाबला करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो लोग रीबॉक के जूते की तरफ देखते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जिनको ईश्वर ने पांव नहीं दिए, हम उनसे कहीं बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि घबराना नहीं चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है डॉक्टर जितेंद्र पीताम्बर पाटिल का, कि भारतीय संस्कृति की नींव हमारे पारंपरिक मूल्यों से है, किंतु वर्तमान में पारंपरिक मूल्य ही उजड़ रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो। देखिए मेरा मानना यह है, और जो संस्कृति के विद्वान हैं वो भी यही मानते हैं, कि संस्कृति के जो मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य, वो ना तो बिगड़ते हैं ना उजड़ते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं। तो जो बदलाव आता है वो सभ्यता में आता है, सांस्कृतिक मूल्यों में नहीं। हम अपने माता पिता के पांव छूते थे, वो पांव छूने की वैल्यूज आज भी जीवित है,
जो लोग छूते हैं वो उसके महत्व को जानते हैं। हम अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करते थे, जो आज भी करते हैं वो उस सांस्कृतिक मूल्य के रक्षक हैं और वो जानते हैं। लेकिन बहुत लोग अगर नहीं करते, तो अभी तो मैंने ये चर्चा की थी कि परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना हमने भुला दिया, इसी के खामियाजे हैं जो हम भुगत रहे हैं। हम अपने हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो ओल्ड एज होम में बैठे हुए हैं, और बच्चे जिनके लिए माता पिता ने एड़ियां घिस दी वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, माता पिता के अंतिम संस्कार में आने का समय भी उनके पास नहीं है। और हम कहते थे साहब बच्चा अमेरिका चला जाए, बड़ा आदमी बन जाए, वो पैसा कमाए। तो हमने खुद अपने लिए ये समस्याएं पैदा की हैं। इसलिए सांस्कृतिक जो धरोहर है, परंपरा है, वो उसमें कभी बदलाव नहीं आता। मूल्य वही है जो पहले थे। नदियों की रक्षा करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, आज हमें समझ में आ रहा है, नहीं की तभी तो पछता रहे, इसीलिए हमें उसके खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। सर डॉक्टर रूबी देवी हैं, ये पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, सर आज मानव जाति जिस महामारी से लड़ रही है उसके सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में कैसे वह सकारात्मक हो सकता है? देखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम हार गए मन से तो फिर हार निश्चित है, और अगर मन से जीत गए, संकल्प चाहिए। हमने बड़ी बड़ी विपदाओं से अपने को बाहर निकाला है, अपने देश को बाहर निकाला है। जिन्होंने 47 में जो कुछ हुआ पार्टीशन में, उसकी कहानियां पढ़ी हों, उसके किस्से सुने हों अपने पूर्वजों से, माता पिता से, वो इसका अनुमान लगा सकते हैं। और इसके बाद कई आपदाएं आई। अगर 2-3 साल पहले याद हो, हिमाचल में जो आपदा आई थी, प्राकृतिक संकट आया था, वो कितना बड़ा संकट था। अभी जो संकट आया है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कितना बड़ा संकट है। तो हम इन सारी चुनौतियों समस्याओं से बाहर निकलते हैं, निकल सकते हैं। बस ये है कि हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, और रास्ते खोजने की जो वृत्ति है उसको नहीं छोड़ना है, और हम मनुष्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर एक ज्योति सिदाना का सवाल है आपसे, मतलब सवाल तो बहुत सारे हैं जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मैं पूछ ले रहा हूँ कि इस उपभोक्तावादी समाज में क्या बाजार संस्कृति का कोई विकल्प है, जबकि लोग दिखावे की संस्कृति में विश्वास करने लगे? हाँ, इसका विकल्प ये है कि हमें ये समझ आना चाहिए कि जो हमारी जीवन की अनिवार्यता है, जो हमारे जीवन की जरूरत है, बस हम उतने में काम चलाएं। अभी हमने 2-2.5 महीने चलाया ना, जो हमारी टीम टाम थी, जो हमारे उपभोक्तावादी बाजारवादी सांस्कृतिक संदर्भ थे, हमने या सभ्यतावादी संदर्भ थे, उन्हें हम भूल गए। हम मॉल नहीं जा रहे, हम शादी में नहीं जा रहे, हम दावतों में नहीं जा रहे, हम किट्टी कमेटियों में नहीं जा रहे, हम बहुत अच्छे अच्छे गहने जवाहरात नहीं पहन रहे, वस्त्र नहीं पहन पा रहे, मेकअप नहीं कर पा रहे, हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा पा रहे, लेकिन जीवन चल रहा है, कुछ कम नहीं होता। और जो मितभाषी होना, मितभाखी होना, कम से कम में जीवन चल रहा है, अरे पेट भरना चाहिए और श्वास चलनी चाहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन चलाते रहिए, ये जरूरतें हैं। वो होता क्या है कि जब पैसा अतिरेक में आने लगता है तो आदमी को लगता है कि यार पैसा है तो मैं इसे कहाँ खर्च करूं, ये जो मानसिकता है उससे हमें निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। दो सवाल और बस लेंगे सर, उसको खत्म कर देंगे। योजना कालिया जी पूछना चाहती है कि सर हर विपरीत परिस्थिति में साहित्यकार ने समाज को दिशा दी है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्य लेखन इस दायित्व को नजरअंदाज कर केवल छपने और प्रसिद्ध होने के लिए दौड़ रहा है, ऐसे में संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार होगा? देखिए, अच्छे और बुरे साहित्य, अच्छे और बुरे लोग, अच्छा और बुरा आचरण, अच्छा और बुरा व्यवहार, ये हमेशा से रहा है। राम थे तो रावण भी था, कंस थे, कृष्ण थे तो कंस भी था। इसलिए आप चिंता मत करो, जो साहित्य अच्छा है, मूल्य आधारित है, वैल्यू बेस्ड है, वो कालजयी बनेगा, वो रहेगा, वो प्रेरणा भी देगा। ये जो आप संस्कृतिकरण साहित्य में घुस गया है, ये तो अश्लीलता और विवाहेतर संबंध, ये तमाम तरह के इस तरह की रचनाएं लिखने वाले जो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ही आक्रांत लोग हैं, उनको लगता है कि ये लिटरेचर है, वो लिटरेचर नहीं है, वो तो पीत साहित्य है। उस पीत साहित्य को कभी भी जो अभिजात्य साहित्य है उस कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए आप चिंता ना करो, जो अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे रचनाकार हैं, उनको लोग याद करेंगे। वरना आप खुद देखिए,
कि तुलसी आज भी पढ़े जाते हैं, सूर आज भी पढ़े जाते हैं, बिहारी या घनानंद आज भी पढ़े जाते हैं, प्रसाद आज भी पढ़े जाते हैं, मैत्रीक्षण गुप्त पढ़े जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रचनाकार हैं जिसे हमारे जो टीचिंग प्रोफेशन के लोग हैं वही नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ऐसे सैकड़ों हैं आए कुकुरमुत्ते की तरह, एक दो साल में रहे और उसके बाद उड़ गए, गायब हो गए। वो केवल एक प्रायोजित लेखन है पुरस्कार के लिए, पाठ्यक्रम में निर्धारण के लिए, या सरकारों से कोई उसके बदले में एवज में कोई अनुदान मिल जाए इसके लिए। वो साहित्य साहित्य नहीं है, वो प्रायोजित साहित्य है। सर बहुत सारे सवाल हैं, अब चूंकि सारे सवालों को पढ़ना संभव नहीं है और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो और लोग जिज्ञासाएं शांत हो, क्योंकि अब 5 बजने वाला है। तो मधुमेह से निवेदन करूंगा कि मधुमेह आप सर का ऑफिशियली धन्यवाद करें। धन्यवाद आलोक जी, जिम्मेदारी देते हैं लोगों में से हूँ, धन्यवाद की जरूरत नहीं। अरे नहीं सर, आपने जिस तरह से आज का जो व्याख्यान दिया है सर, और लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका व्याख्यान जो है बहुत ही आशावादी है, बहुत सारे दृष्टांतों से भरा हुआ है, और इन दृष्टांतों के माध्यम से जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको जीवन जीने की एक नई राह मिली है सर। तो जैसे आप लोग, आपने भक्ति की बात की, नवधा भक्ति की बात की है, और अरुण यह मधुमेह देश हमारा की बात की, और प्रकृति की बात की कि प्रकृति का दोहन हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो सारी बातें की, और साथ में सर आपने कबीर के रहस्यवाद को भी इससे जोड़ा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है भीतर बाहरी पानी। तो और लास्ट में सर जो मैं बात आपको कहना चाहती हूँ कि जो त्रयी की बात आप कह रहे हैं सर, वास्तव में हम अपने जीवन को तभी जी पाएंगे जब हम ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीनों का समन्वय कर पाएंगे। जैसा कामायनी में कहा गया कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। तो विडंबनाओं से हमें बचना है, आशावादी होकर जीना है, और सर ने आज हमें भरपूर ऊर्जा दी है और एक दिशा दी है, एक मार्गदर्शन हमारा किया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम फिर से सर आपसे चाहेंगे कि आप आए और इसी तरह हमको जब जब हम बोझिल होने लगे तब तब आप हमारे भीतर एक इसी तरह की ऊर्जा का, जिसे कहते हैं संचित कर दें, हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका और आलोक जी का और प्रिंसिपल साहब का, आप सब टीचिंग फैकल्टी का और जितने श्रोता थे इसमें शामिल, सबके प्रति आभार। मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हम सबकी ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से आपको बहुत, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, अ बिग थैंक यू सर, तो बहुत बहुत थैंक यू आलोक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रतिभागी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आलोक आलोक जी जो हैं ये ऑर्डर इशू करते हैं मुझे कि नहीं आपको कल बोलना ही बोलना है। जी मैंने जी के आगे कर लूंगा, बोले नहीं कल बोलना है। सर बहुत अच्छा किया, कम से कम हम लोग कल पूरा दिन, थोड़ा हमारा बहुत ज्यादा 5 घंटे तक हम लोग लगे रहे, 6 घंटे हम लोग सुनते रहे, तो आज हमें चाहिए था कि कुछ ऊर्जा और मिल जाए, एक आशा और जग जाए, तो आपके व्याख्यान से सर ऐसा हो पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी प्रतिभागियों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, बहुत लगातार सर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, बहुत उत्तम सराहनीय, मतलब बहुत सारे मैसेजेस हैं सर, मतलब मेरे ख्याल 500-600 मैसेजेस सर अब तक पहुंच चुके हैं सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, नमस्कार सर।